टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स ये भी कमजोर थे। बढ़ने वाले शेयर्स में टाइटन आज फिर से लीडर हुआ 6%, बजाज ऑटो, SBI, हिंडालको, डिवी स्लैब ये सारे के सारे शेयर्स आज बढ़कर कामकाज हुए। एडवांस डिक्लाइन बराबर बराबर 900 वर्सेस 900। चलिए बिल्कुल, तो यानी मार्केट्स ने आज एक रेंज में ही काम किया है, लेकिन क्लियरली एक अच्छा सेशन देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दिखाई, PSU स्पेस में अभी हम देख रहे हैं कि रिकवरी इन PSU स्पेस से अच्छी लीडरशिप देखने को मिली, और कई सारे स्टॉक्स जो लगातार पिछले कई दिनों से अनलॉक थीम पर एक्शन दिखा रहे हैं वो आज भी एक्शन दिखाते हुए दिखाई दे। कुछ लास्ट के कुछ मिनटों में जो स्पॉट देखने को मिला वो हमें फार्मा स्पेस से और FMCG स्पेस से भी आज देखने को मिला। हालांकि क्लियरली टाइटन, टाटा ग्रुप पैक हो या फिर बजाज ग्रुप स्टॉक्स हो, वहाँ अच्छा एक्शन देखने को मिला। ऑटो पैक ने आज बहुत अच्छा किया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इन सभी में अच्छा एक्शन देखने को मिला। आयशर मोटर, इसमें भी अच्छा एक्शन देखने को मिला, और इंडियन बैंक से, PSU स्पेस से अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। एक इंपॉर्टेंट खबर नीचे नालको के रिगार्डिंग आ रही है आज, और इसमें खबर यह है कि राकेश झुंझुनवाला ने करीब 1.25% की हिस्सेदारी खरीदी है। थोड़ी देर पहले हम इसके शेयर के बारे में बात भी कर देंगे, 100 का लेवल पार हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर आपका टेक एक बार। देखिए इससे ये मालूम चलता है कि ये जो कमोडिटी बुल रन और मेगा बुल रन की वो बात कर रहे हैं, तो वो अपना पोजीशन ही बढ़ाते जा रहे हैं। पहले टाटा स्टील में उनकी सबसे बड़ी पोजीशन थी, बट दूसरे मेटल काउंटर्स में भी 1.5% का आज उन्होंने हिस्सा, आज डिस्क्लोजर आया, स्टॉक पहले लिया होगा, लेकिन इसके चलते भी मेटल्स, मिड कैप मेटल्स में एक तरह का करंट रह सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, तो आज 1.5% की खरीदारी है। ये बात मैंने हिमांशु शायद आपसे पूछी थी कि 100 के ऊपर पार होगा तो कहाँ तक जाएगा, अब तो खबर भी है अब कहाँ तक जाएगा, अब दूसरी बार पूछ रहा हूँ कहाँ तक जाएगा नालको। देखिए बिना इस खबर के चलते मैंने 110 रुपए का टारगेट दिया था, जो कि ऑलमोस्ट 10% का टारगेट है। अब मुझे लगता है कि अगर स्टॉक 110-112 रुपए के ऊपर सेटल होता है तो मुझे लगता है कि अगले टारगेट 118-120 रुपए तक के होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक इस न्यूज के चलते कल गैप के साथ 110 रुपए के आसपास खुलता है, और जिन्होंने आज आपकी बात सुनकर यहाँ पर तेजी की पोजिशन बनाई है, तो यहाँ पर मुनाफा वसूल करने की सलाह रहेगी, अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग का नजरिया है। चलिए बिल्कुल, एक अच्छा शानदार सेशन आज का रहा, सारे ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।